दरगाह में इस तरह की सूचनाएं थी, काफ़ी लोग दरगाह में बहुत लंबे समय से पड़े रहे हैं जिनकी न कोई आइडेंटिटी है न कोई, और आज तक किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। चूँकि दरगाह एक इंटरनेशनल महत्व का धार्मिक प्लेस है और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए ऐसे स्थानों को जगह बार बार सुरक्षा थ्रेट्स भी मिलती रहती हैं, आप लोग भी अखबार में पढ़ते हैं, दूसरे सोर्सेज से भी सूचना आती रहती है। उस परिप्रेक्ष्य में दरगाह की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दरगाह को अच्छी तरह से चेक करें कि कोई इस तरह की कोई गतिविधि दरगाह में नहीं हो जाए, जिसके संबंध में जो बिना दरगाह को खाली कराए संभव नहीं है, और उसके लिए रात्रि का समय ही मुफीद है क्योंकि दिन में जाहिर होगी इतनी संख्या आगे जिसमें इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती। हर तरह की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रात्रि के समय दोनों दरगाहों के, दरगाह के दोनों अंजुमन हैं, दरगाह कमेटी है, सभी की श्रीमान एसपी साहब द्वारा मीटिंग की गई, मीटिंग में सभी की सर्व सहमति बन जाने के बाद में ये कार्रवाई शुरू की गई है जो उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अनवरत की जाएगी। सर कुछ आईडी वगैरह भी चेक कर रहे थे उसमें आईडी? हाँ, दोनों चीज़ें हैं, जो रात को दरगाह में ठहरे हुए लोग हैं उनसे आईडी भी ली जा रही है, उनका चेक किया जाएगा, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, उस सुरक्षा के हर पहलू को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई जारी रहेगी।